मैडम या प्लीज परेश को बुला लो आप आइए नहीं आप पहले आप तीनों पहले आप सर थैंक यू हाँ यस सर थैंक यू सर थोड़ा सा जल्दी स्टेज में आई विल होल्ड वन पिक्चर सर सर मैं आई विल होल्ड सर क्या जो आलो इधर जी थैंक यू थोड़ा इस तरफ अरे हाय कम चला चला थैंक यू समाधान पिक्चर बैकग्राउंड ऊपर चाहिए अरे ए मोबाइल डर गया बेचारा थैंक यू कम सर आप जरा दोनों ये सर बैठिए सॉरी सर ओरिजिनली बंगाली कोलकाता अरे अमेजिंग मतलब ये इतनी खूबसूरत दुनिया है और ये तो हमारी जो जो हम लोगों की पसंद है ना आर्ट से क्योंकि हम लोग भी जुड़े हुए हैं तो ये देखने के लिए तो मुझे लगता है कि पूरा दिन भी जो है वो कम पड़ेगा बहुत अच्छा लगा बहुत ही खूबसूरत थी मतलब इतना जल्दी 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 भागते भागते भी हमने जो एक राधा कृष्ण की हमने जो पेंटिंग देखी और अभी जो महाराष्ट्र का वो ज्वेलरी और उसके साथ में जो देखा तो अमेजिंग
no words. Viva, your thoughts? Yes, I'm speechless to see that there are so many varieties of different kinds of arts. And my favorite was the Banaras Ghat joke. It was very beautiful. Right. And you also have a concert in the evening. Yes. And you will be performing. आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि लता दीदी का आशीर्वाद मिला है. लता दीदी प्रेजेंट कर रही हैं रीवा को और आज दीनानाथ मंगेशकर में कॉन्सर्ट है, इसलिए हम लोग थोड़ा रश में हैं. और मैं राजेंद्र जी को बधाई देता हूँ कि ये 8वां साल है फेस्टिवल का और सिर्फ इंडिया से नहीं पूरे एशिया से, मतलब हमने दुबई, सिंगापुर और यहाँ से भी आर्टिस्ट लोगों का काम देखा. और मुझे लगता है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म, बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है नए कलाकारों के लिए, पुराने कलाकारों के लिए. और एक छत के नीचे इतनी सारी वैरायटीज़, बहुत ही आपको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये फेस्टिवल और भी जो है बॉम्बे दिल्ली के अलावा भी पूरे इंडिया में जो है वो राजेंद्र जी ले जाए. बहुत ज़्यादा तैयारियाँ चल रही हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई फील ब्लेस्ड एट द सेम टाइम. एंड दीदी इज़ लाइक द गॉडेस ऑफ म्यूज़िक, तो उनसे आगे तो कोई हो ही नहीं सकता. वो हर कलाकार का सपना होता है कि दीदी का आशीर्वाद मिल जाए, तो ये तो जीवन सफल हो गया. हमें ऐसा लगता है कि पिछले जन्मों के कुछ पुण्य हैं या हमारे बुज़ुर्गों की दुआएँ हैं, हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है कि दीदी ने इसके सर पर हाथ रखा और आज दीदी प्रेजेंट कर रही हैं. और आज इसका एक नया एल्बम भी रिलीज़ हो रहा है सांवल, जिसको प्रोड्यूस किया है उस्ताद जाकिर हुसैन जी ने. तो आज बहुत ही बड़ा दिन है और इसलिए हम लोग आज थोड़ा सा रश में हैं. बट मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ सभी कलाकारों को, सभी आर्टिस्टों को जिन्होंने अपना ये खूबसूरत काम यहाँ पर रखा है. और मैं आई विश देम ऑल द बेस्ट. एंड राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें याद करने के लिए. ये सिंगल एल्बम, एक सिंगल. अभी ये भाव थोड़ा सा शाम को आइए आप सुनिए. Well, there are galleries from Singapore and Dubai, and there are some individual artists from European countries, even Australia. So this is our 8th year, and the kind of scale and size and quality we grew. So we thanks for this to the artists, art lovers, and artists like this. Roopji is a great artist, and Riva is going to come today in the public art world with such good blessings of Lata Didi. And irrespective of having her concert, we can imagine how they busy, but the love they come here for the art festival, it shows their love towards the art. And when they come, these artists feel greatly inspired. I deeply thank you. We would love to perform here for next year jab bhi hoga. Definitely. So we can have a nice small mehfil. We have the huge auditorium here. Yeah, we can small mehfil for all the artists. We used to have the conversations for 2 days. Tomorrow seminars will be there. So third day, Sunday, we can have this fusion show. Definitely. 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 Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Sir,
एक दोनों का करते नहीं Okay, see, the India Art Festival started in 2011 with the concept and mission of providing the platform to the master as well as upcoming mid-career artists, because in Mumbai and Delhi, metro cities like Mumbai and Delhi, it's very difficult to get the platform. If you apply today for Jahangir Art Gallery, you get the gallery after 5 years. Same condition is there in Delhi also. So we have, anyhow, we couldn't, get the infrastructure, sufficient infrastructure for the visual art. Like we have the theatres, whole lot of cinema theatres for the movies, we have libraries for the books. So this art form, visual art form is little bit neglected. So we started with a mission, and now this started as a small art fair, now grew hugely in the quality and scale. So that's how. Second thing, I would like to thank both of them. They are Pritiji and Praveen sir. They themselves are great artists, and they come here so that these artists feel inspired. So I would like to thank them for coming here. It's our pleasure. Thank you. Well, the India Art Festival, like he said, it may have started small, but today it's got so many artists under one roof and so much fabulous work. I mean, what we've seen today is absolutely amazing, and we've seen some really touching and inspiring work. I think I'd like to congratulate the India Art Festival as well as Sir for putting so much thought and effort into this. I mean, so many artists today, and we've actually been really, really inspired and really, really love the work that we saw today. So thank you very much for inviting us, and I think we're very honored to be able to come here and inaugurate the festival today. जो कलाकार हैं, जो हम कलाकार हैं, कला को हमेशा अप्रिशिएट ही करते हैं. एंड आई हैव बीन कमिंग टू द इंडिया आर्ट फेयर, आई हैव बीन सीइंग इट्स ग्रोथ एंड इट्स बीन अमेजिंग. यू नो, इट्स अ वेरी वेरी हाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आर्ट फेयर, एंड आई जस्ट लव्ड यू नो ऑल ऑफ द वर्क दैट आई हैव सीन. इट्स जस्ट अमेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, एंड आई कैन रियली से द इंडियन आर्ट सीन इज़ फ्लरिशिंग. And we're very proud of all the artists. I know artists have to go through a very tough time, but it's platforms like this which gives the artist, the opportunity to be seen by everybody and even people like us. So we're very honored ki sir ne humko invite kiya yahan pe. So we're very honored to be here. Thank you so much. Thank you very much. I was 6 or 7 hours in the studio.
चलो क्या नंदिनी फेसबुक लाइक नहीं कर रही नंदिनी
एक्सक्यूज मी ना आतिश Thank you for having me at the India Art Festival, and it's really a joyful and amazing experience to see such a vast ocean of images, so many different eyes, so many different interpretations of the same thing. A lot of the subjects, you see, there's a lot of repetition which people are fascinated by, artists are fascinated by, and have their own interpretation of the same thing. So for me, you know, working in the image construction business, it's like being in a, it's like sending a kid to a candy store. So I can spend hours just walking around, just looking at them and dreaming my way through them. But I think it's a great effort and it's a great event. I do hope more people come and take this opportunity to see you know, such a vast variety of works by so many Indian artists under one roof at the same time. So all the best to India Art Festival, and thank you once again for having me, sir. Thank you. What are your thoughts? Well, sir, idhar aajiye. Ranveer. Come on. Vinay mat bol dijiye. I know. देखो रणवीर सर जैसे यहाँ आर्टिस्ट आते हैं तो अंदर इतने यंग और मिड करियर आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करें तो दे फील इंस्पायर्ड. सो वी डेफिनेटली नीड दिस काइंड ऑफ पीपल, दिस काइंड ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट टू कम हियर एंड यू नो एनकरेज देम. द इंडिया आर्ट फेस्टिवल वी स्टार्टेड इन 2011 बेसिकली वॉज हैविंग द मिशन दैट वी डोंट गेट प्लेटफॉर्म इन मुंबई एंड दिल्ली इजिली इन द मेट्रो सिटीज फॉर द आर्टिस्ट. वी डोंट हैव गैलरीज दैट मच. So we started with the motive of getting some rural and semi-urban area artists, bring them in the metro cities, mingle them with the, you know, little bit master and established artists so that they can also get attention. So that's how it began, and now it's a huge in the quality and scale. The growth is phenomenal. We expanded to Delhi, and from last 4 years we are doing edition in Delhi also. Delhi we just had a very successful edition into the November at Tagra Stadium, and here now we have the 88 years, and the galleries from not only India but Dubai, Singapore, Australia, some artists are Australian and European artists are participating. So it's fantastic, and it's always support from media, Bollywood friends. No sir, it's a great yeah. effort that you're doing. Great work. Thank you very much. No, that's it. Thank you. Yeah. अरे अखिलेश भाई, हाउ आर यू? वेटिंग फॉर यू. सॉरी नाउ से जा सर रुक हमारे सर लोग क्या सर सर इधर से जाने आप इधर से चलो जी इधर देखो ही नहीं मैडम मुझे